रायपुर में लॉकडाउन के बाद भी फैक्ट्रियों का उत्पादन ठीक से शुरू नहीं हो पाया है और ऐसे समय में एसईसीएल स्पंज आयरन फैक्ट्रियों पर पिछले एक साल का कोयला एक साथ लेने का दबाव बनाया जा रहा है। कोयला नहीं लेने की स्थिति में आयरन फैक्ट्रियों पर साल भर की पेनाल्टी लगाने की चेतावनी दी जा रही है। यह आरोप छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने लगाए हैं। एसोसिएशन के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियों में 40 से 50 फीसदी कोयले की खपत हो रही है। अगर फैक्ट्रियों में एक साथ इतना कोयला रखा गया है तो आग लगने का खतरा बढ़ जाएगा। एक साथ इतना सारा कोयला ले नहीं पाएंगे, जैसे ये वैसे ही बात हो गई जैसे अगर एक आदमी को आप बोलो कि एक महीने का खाना एक बार में खा ले तो कहाँ खा पाएगा वो। तो वैसे ही हाल हो गया अभी एनएमडीसी एसईसीएल सॉरी एनएमडीसी नहीं एसईसीएल हमारे ऊपर जरूर फोर्स कर रही है, उनकी भी परेशानियां हैं, उनके यहाँ भी कोयले का स्टॉक ज्यादा हो गया है। लेकिन हम इसको बैठ के रेलवे के साथ मिलकर कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे जरूर कि जो जिससे ये परेशानी सॉल्व हो सके। और खबर को